Hello, my dear students of class plus 2. This is the time to study biology. And in this lecture, we are going to study regarding the chapter human health and disease. Students, इस lecture में हम पढ़ेंगे chapter human health and disease के बारे में. Students, आप सबको पता है कि health क्या होती है. Health होती है अगर कोई person physically, मेंटली, सोशली फिट हो. अगर कोई पर्सन फिजिकली, मेंटली, सोशली फिट हो तो उसको कहा जाता है कि वो हेल्दी है. ये तीनों के तीनों एस्पेक्ट्स अगर ठीक हो, उसकी बॉडी में कोई डिसऑर्डर ना हो, उसका मेंटल लेवल ठीक हो, मेंटली उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, साइकोलॉजिकल उसको कोई डिस्टर्बेंस ना हो, सोशली सोसाइटी के साथ उसका इंट्रेक्शन अच्छा हो, सभी के साथ वो बोलता हो, सभी के साथ उसके कॉन्टैक्ट्स हों, दैट मीन्स ही और शी इज़ हेल्दी पर्सन. स्टूडेंट्स, अगर किसी की हेल्थ अच्छी है, अगर कोई इंसान हेल्दी है, अगर आप हेल्दी हैं तो आपकी उम्र लंबी होगी, मॉर्टेलिटी रेट घट जाएगा. कोई भी, अगर कोई भी इंसान है या एक पर्टिकुलर कोई कम्युनिटी है, पर्टिकुलर एरिया के अंदर अगर वो हेल्दी है तो उसके अंदर जो मोर्टैलिटी रेट है यानी कि मृत्यु दर है वो कम होगी ही होगी, चाहे वो मदर की हो और चाहे वो इन्फेंट की हो. ओके स्टूडेंट्स, और अच्छी हेल्थ को मेंटेन करना, गुड हेल्थ को मेंटेन करना कोई मुश्किल काम नहीं है. अगर हम बैलेंस डाइट लेते हैं, पर्सनल हाइजीन यानी कि साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, वैक्सीनेशन यानी कि टीका लगवाते हैं टाइम टू टाइम, अगर कोई बीमारी फैल रही है, लाइक अभी आप कोरोना वायरस फैल रहा है तो अगर हम लोगों को वैक्सीनेशन लग जाएगा तो हमको कोई डर नहीं है फिर उस चीज़ का, है ना. और अगर वेस्ट को प्रॉपरली फेंक रहे हैं, अपने आसपास नहीं रख रहे, क्योंकि वेस्ट से ही बीमारियां फैलती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे होते हैं, वैक्टर्स को कंट्रोल करते हैं, वैक्टर्स यानी कि बीमारी जो फैलाते हैं. ओके, और अपने फूड का हम लोग ध्यान रखते हैं, पानी का हम लोग ध्यान रखते हैं, तो मतलब कि हम, हमारी अच्छी हेल्थ मेंटेन रह सकती है. जो हेल्थ होती है वो तीन चीज़ों से बेसिकली अफेक्ट होती है. जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो बचपन से ही हमारे अंदर होते हैं, बचपन यानी कि बाय बर्थ होते हैं, मदर से या बच्चे को मिलते हैं. हमने जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में लास्ट चैप्टर्स में पढ़ा भी है. इन्फेक्शंस जो कि एक्सट्रिंसिक होते हैं, बाहर से हमको ये चीज़ें मिलती हैं, हमारे लाइफ स्टाइल की वजह से भी हमारी हेल्थ अफेक्ट हो सकती है. अगर हम रेगुलरली एक्सरसाइज नहीं कर रहे, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल हम लोग जी रहे हैं, ठीक है, तो हमारी हेल्थ अफेक्ट हो सकती है. नेक्स्ट टॉपिक्स पर चलने से पहले स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे आपको दो चीज़ें बताना चाहूँगी. मैंने यहाँ पे दो पॉइंट्स को ऐड किया हुआ है, डिस्कवरी ऑफ ब्लड और फादर ऑफ मेडिसिन. ये मैंने यहाँ पे इसलिए ऐड करा हुआ है स्टूडेंट, क्योंकि ये नीट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं. तो डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन की थी विलियम हार्वे ने, ओके, और फादर ऑफ मेडिसिन है हिपोक्रेट्स. तो ये चीज़ें आप लोगों को लर्न करनी ज़रूरी हैं, आप लोगों को पता होना ज़रूरी है. यू हैव टू मेंशन इन योर बुक. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज़ डिजीज़. तो अगर हम हेल्दी नहीं हैं, अगर नॉर्मल फंक्शनिंग में कहीं कोई डिस्टर्बेंस है, दैट मीन्स वी आर सफरिंग फ्रॉम एनी टाइप ऑफ डिजीज़. डिस्टर्ब्ड ईज, जब नॉर्मल फंक्शंस डिस्टर्ब हो रहे हैं, इट मींस वी आर सफरिंग फ्रॉम एनी टाइप ऑफ डिजीज़. और डिजीज़ कौन कॉज करता है? डिजीज़ कॉज करते हैं पैथोजन. पैथोजन की डेफिनेशन मतलब डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज पैथोजन्स. तो पैथोजन्स कोई भी हो सकते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई. बेसिकली क्या होते हैं ये? पैरासाइट्स होते हैं. पैरासाइट्स जो हमारी बॉडी में सर्वाइव करते हैं, वायरस भी हो सकता है, बैक्टीरिया, फंजाई, कुछ भी हो सकते हैं. ये हमारी वाइटल एक्टिविटीज़ यानी कि जो डेली एक्टिविटीज़ होती हैं, जो ज़रूरी एक्टिविटीज़ होती हैं, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, इनको अफेक्ट करते हैं, ठीक है. तो स्टूडेंट्स, जो डिजीज़ होती हैं, डिजीज़ बेसिकली टू टाइप्स की होती हैं. वन इज़ इन्फेक्शियस डिजीज़, अदर वन इज़ नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़. तो यू नो इट वेरी वेल द डिफरेंस बिटवीन इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़. इन्फेक्शियस डिजीज़ वो डिजीज़ होती हैं जो एक इंसान से दूसरे इंसान को फैलती हैं. अब जैसे कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस का एग्जांपल हमारी बुक में नहीं है, बट स्टिल यू कैन गिव
क्योंकि ये एक ऐसी डिजीज़ है जो एक इंसान से दूसरे इंसान को फैलती है। जो इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक्सट्रिंसिक फैक्टर। एक्सट्रिंसिक यानी कि वो फैक्टर जो हमारी बॉडी के अंदर नहीं है, बाहर है, यानी कि वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, है ना, पानी, हवा, ओके okay, तो ये सब क्या है, ये सब है एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स। तो ये सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती हैं इन्फेक्शियस डिजीज़ के लिए। यहाँ पे पब्लिक हेल्थ और पर्सनल हाइजीन जो होती है वो डिजीज़ की प्रोबेबिलिटी को डिक्रीज भी कर सकती है और इंक्रीज भी कर सकती है। सपोज़ कि अगर हम हेल्दी नहीं हैं, अगर हम साफ़ सफाई नहीं रखते हैं, अगर हमारी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो इट मीन्स डेफिनेटली हम डिजीज़ से सफ़र करेंगे, या हमारे आसपास की जो सोसाइटी है वहाँ पे बहुत गंदगी रहती है, हाइजीनिक कंडीशंस नहीं है, तो हमें बीमारी हो सकती है। एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, HIV हो गया, टेटिस हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, यहाँ पे आप कोरोना वायरस को भी ऐड कर सकते हो, COVID-19 को भी ऐड कर सकते हो। नाउ नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़, तो जो डिजीज़ एक दूसरे से नहीं फैलती हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। यहाँ पे एक्सट्रिंसिक फैक्टर भी हो सकते हैं और इंट्रिंसिक भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। इंट्रिंसिक यानी कि हेरिडिटरी, जो मदर से बच्चे को होती है, और एक्सट्रिंसिक यानी कि पैथोजन्स, बेसिकली वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, हेलमिंथिक, ओके। यहाँ पे पब्लिक और पर्सनल हाइजीन का कोई फर्क नहीं पड़ता। जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है, जो हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स होते हैं, इनके ऊपर पर्सनल हाइजीन, साफ सफाई का, पब्लिक हेल्थ का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल यहाँ पे बड़ा क्लियरली मेंशन है, दैट इज कैंसर, ओके। कैंसर बहुत हार्मफुल डिजीज़ है, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे कैटेगरी दी हुई है, कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज़ दी हुई हैं। कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज़ बैक्टीरियल भी हो सकती हैं, वायरल भी हो सकती हैं, प्रोटोजोअल भी हो सकती हैं, फंगल भी हो सकती हैं, और हेलमिंथिक भी हो सकती हैं। यहाँ पे आपको सारे डिजीज़ की कैटेगरीज़ पता होनी ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर एक डिजीज़ कैटेगरी आप लोगों से ज़रूर पूछी जाएगी। एक डिजीज़ कैटेगरी मीन्स कि एक डिजीज़, ओके, तो डिजीज़ के कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म सिम्टम्स आपको पता होने चाहिए। तो फर्स्टली बैक्टीरियल डिजीज़, बैक्टीरियल के अंदर एग्जांपल है टाइफॉइड, निमोनिया, डिप्थीरिया, डिसेंट्री, प्लेग, ओके। वायरल के अंदर है कॉमन कोल्ड, पोलियो, एड्स। प्रोटोजोअल मलेरिया, अमीबाइसिस। फंगल के अंदर है रिंगवॉर्म, एंड हेलमिंथिक के अंदर है एस्केरिस, फाइलेरियासिस, ओके। यहाँ पे सबसे पहले जो हम स्टडी करेंगे वो करेंगे बैक्टीरियल डिजीज़ को। तो बैक्टीरियल डिजीज़ आपको नेम ही इंडिकेट कर रही हैं, ये वो बीमारियाँ हैं जो बैक्टीरिया से कॉज होती हैं, ओके। तो टाइफॉइड कौन से बैक्टीरिया से कॉज हो रहा है? टाइफॉइड कॉज हो रहा है सेल्मोलिना टाइफी। स्टूडेंट्स, ये जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, जितनी भी बीमारियाँ हैं, यहाँ पर आपको उसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज़म, उसके सिम्टम्स और किस चीज़ से वो बीमारी स्प्रेड हो रही है पता होना ज़रूरी है। आपको बेसिकली तीन पॉइंट पता होने ज़रूरी हैं, देन यू आर एबल टू गिव आंसर ऑफ ईच डिजीज़। तो टाइफाइड कोज हो रहा है सेल्मोनिना टाइफी से, ये फैलता है कंटामिनेटेड वाटर और फूड से, कंटामिनेटेड यानी कि अफेक्टेड वाटर और फूड से, ओके। बेसिकली यहाँ पे सबसे पहले जो बैक्टीरिया है कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। खाना कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में फाइनली जाता है। तो यहाँ पे अफेक्ट क्या हो रही है? स्मॉल इंटेस्टाइन और उसके बाद ब्लड, ओके। सिम्टम्स बिल्कुल क्लियर होने ज़रूरी हैं। यहाँ पे कॉन्टीन्यूअसली हाई फीवर आता है, जो टाइफाइड होता है टाइफाइड में कॉन्टीन्यूअसली हाई फीवर आता है। आपको वीकनेस फील होगी, स्टमक पेन भी होगा, भूख नहीं लगेगी, कॉन्स्टिपेशन होगी। कॉन्स्टिपेशन मतलब इनेबिलिटी टू पास द स्टूल, इनेबिलिटी टू पास द फीकल मैटर। हेडेक भी होगा, इंटेस्टाइनल परफोरेशन। इंटेस्टाइनल परफोरेशन का मतलब होता है इंटेस्टाइन के अंदर छेद हो सकते हैं, और सीवियर केसेस के अंदर डेथ भी हो सकती है। टाइफाइड का जो कन्फर्मेटरी टेस्ट है, दैट इज़ विडाल टेस्ट, आपको पता होना ज़रूरी है। 1 मार्क पे भी पूछ लिया जाता है, विच इज़ द कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर टाइफाइड, तो यू हैव टू राइट विडाल टेस्ट, फाइन। मैरी मेलन और टाइफाइड मैरी, ये एक कुक थे, ठीक है। मैरी मेलन को टाइफाइड मैरी भी बोलते हैं, ये कुक थे और ये कैरियर थे टाइफाइड डिजीज़ के, क्योंकि ये खाना बनाते थे, बहुत सारे लोगों को खाना सर्व करते थे, तो ये इनकी वजह से बहुत सारे लोगों को टाइफाइड हो गया था,
यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको टेस्ट पता होना जरूरी है, आपको टेस्ट याद रखना है, दैट इज विडाल टेस्ट। और यहाँ पे सिम्टम्स, आपको सिम्टम्स बहुत सारी डिजीज के स्टूडेंट्स आपको एक जैसे लगेंगे, बट आपको वहाँ पे डिफरेंशियल सिम्टम्स पता होने जरूरी है, मतलब मेन फीचर, मेन सिम्टम आपको पता होना जरूरी है। तो यहाँ पे मेन सिम्टम क्या है, यहाँ पे मेन सिम्टम है कॉन्स्टेंट हाई फीवर, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टेंट हाई फीवर, कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन होगी तो स्टमक पेन होगा ही होगा, ये चीज़ आपको याद रखनी है। फीवर है तो वीकनेस फील होगी ही होगी, और तीसरा हो गया लॉस ऑफ एपेटाइट, कॉन्स्टेंट हाई फीवर, कॉन्स्टिपेशन, लॉस ऑफ एपेटाइट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज न्यूमोनिया, नेक्स्ट डिजीज है न्यूमोनिया। तो न्यूमोनिया कॉज होती है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया और हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा से। न्यूमोनिया के अंदर बेसिकली क्या अफेक्ट हो रहा है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, इसके अंदर बेसिकली एल्वियोलाई अफेक्ट हो रही है। तो एल्वियोलाई में क्या होता है, एल्वियोलाई के अंदर गैस एक्सचेंज होता है, आप लोगों को पता है, आपने पहले ही पढ़ रखा है 10th क्लास के अंदर, एल्वियोलाई के अंदर होता है गैस एक्सचेंज। और एल्वियोलाई किसका पार्ट है, लंग का पार्ट है, एल्वियोलाई के अंदर फ्लूइड भर जाता है निमोनिया डिजीज के अंदर। तो ये कैसे होता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से हो सकता है, ये छींक मारते हैं एक दूसरे को, इन्फेक्शन हो सकता है, और जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके बर्तन, उसके कपड़े शेयर करने की वजह से भी निमोनिया हो सकता है। इसके सिम्टम्स हैं फीवर, चिल्स, कफ, हेडेक, और यहाँ पे जो लिप्स का कलर है वो ब्लूइश भी हो सकता है, लिप्स और फिंगर्स जो होते हैं वो ग्रे भी टर्न हो सकते हैं, ग्रे ब्लू कलर के हो सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपने टाइफाइड में क्या देखा, टाइफाइड में हाई फीवर हो रहा था, लेकिन यहाँ पे हाई फीवर मेंशन नहीं है, यहाँ पे फीवर है, यहाँ पे लिप्स और जो नेल्स हैं ये ग्रे से ब्लू कलर के हो सकते हैं, साथ साथ चिल्स, छोटे छोटे दाने बॉडी के ऊपर हो जाते हैं, कफ भी साथ में होती है, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी डिजीज है। नेक्स्ट डिजीज है स्टूडेंट्स कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड और न्यूमोनिया में कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। न्यूमोनिया के अंदर एल्वियोलाई अफेक्ट होती है, न्यूमोनिया के अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन बेसिकली अफेक्ट हो रहा है, बट कॉमन कोल्ड के अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन अफेक्ट नहीं होता है, कॉमन कोल्ड के अंदर सिर्फ नेजल एपिथीलियम अफेक्ट होती है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, आपको डिफरेंस याद रखना है कि कॉमन कोल्ड में और निमोनिया में डिफरेंस है। कॉमन कोल्ड में सिर्फ नेजल एपिथीलियम अफेक्ट हो रही है, बट निमोनिया के अंदर एल्वियोलाई अफेक्ट हो रही है। 3 to 7 days ये चलता है, राइनो वायरस इसको अफेक्ट करता है, राइनो वायरस की वजह से ये होता है, नॉट अफेक्ट करता है, राइनो वायरस की वजह से कॉमन कोल्ड होता है। तो हम सबको पता है कॉमन कोल्ड हम लोगों को कभी ना कभी होता है, तो हम लोगों को एडवाइस की जाती है कि आप नोज़ पे हैंकी रख लो, है ना, ताकि जो आपकी बुक्स हैं, पेंस हैं, कप्स, जो भी चीज़ें, आपका फूड है वो कंटामिनेटेड ना हो, अफेक्टेड ना हो, क्योंकि अगर आपका कंटामिनेटेड पेन कोई और टच करेगा, ठीक है, तो उसको भी कॉमन कोल्ड हो सकता है। यहाँ पे सिम्टम्स क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे सिम्टम है, अब यहाँ पे नोज़ अफेक्ट हो रही है तो नेजल कंजेशन तो होगा ही होगा, डिस्चार्ज तो होगा ही होगा, मतलब नाक बहेगी हमारी, है ना, और बंद हो जाएगी, कंजेशन यानी कि बंद हो जाएगी। आपने देखा होगा, आप सबको पता है कि जब हमको कॉमन कोल्ड होता है तो नाक बंद हो जाती है, सांस आने में प्रॉब्लम होती है, सोर थ्रोट, गले में खराश होगी, हमारे गले में चुभन महसूस होगी, हमको आवाज़ हमारी बदल जाएगी, खांसी होगी, हमको सर दर्द होगा, थकावट फील होगी, है ना। तो यहाँ पे मेन सिम्टम क्या है, नेजल कंजेशन एंड डिस्चार्ज, नेजल कंजेशन और डिस्चार्ज के साथ साथ हमको खांसी भी हो सकती है, सर दर्द, टायर्डनेस। ओके, नेक्स्ट वायरल डिजीज इज डेंगू फीवर। डेंगू फीवर फ्लेवी वायरस की वजह से हो रहा है, यहाँ पे मोस्टली ये मॉस्किटो की वजह से होता है, ये सारे एज ग्रुप्स को अफेक्ट करता है ये मोस्टली, और जो ये इसके सिम्टम्स हैं, यहाँ पे हाई फीवर हो रहा है, हेडेक होता है, पेन बिहाइंड द आइज, रैशेज होते हैं और मस्कुलर पेन होता है। इसके बाद है स्टूडेंट्स चिकनगुनिया। जो चिकनगुनिया है, चिकनगुनिया वायरस की वजह से हो रहा है, ए इजिप्टी मॉस्किटो यहाँ पे अफेक्ट कर रहा है। इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, बट सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट का मतलब सिम्टम्स के बेसिस पे ट्रीटमेंट किया जा रहा है। यहाँ पे सिम्टम क्या है, हाई फीवर हो रहा है,
ठीक है, ज्वाइंट पेन है, मसल पेन है, हेडेक है, नोजिया, फैटिग, रैशेस। ओके, तो आपको चिकनगुनिया और जो हमने अभी ऊपर पढ़ी है डिसऑर्डर डेंगू फीवर, इसके सिम्टम्स लगभग एक जैसे दिख रहे होंगे, बट आपको डिफरेंस पढ़ना है। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पेन बिहाइंड द आइज है, बट यहाँ पे पेन बिहाइंड द आइज कहीं पे भी नहीं है, यहाँ पे नोजिया ऐड हो रहा है। नोजिया मतलब वो कंडीशन जब हमको उल्टी आने वाली होती है, उबकाई आना जिसको बोलते हैं, यहाँ पे नोजिया नहीं दिया हुआ है ना। यहाँ पे रैशेस रैशेस दोनों के अंदर है, ठीक है, ज्वाइंट पेन दोनों के अंदर है, मसल पेन दोनों के अंदर है, हाई फीवर दोनों के अंदर है, ठीक है। यहाँ पे साथ साथ हमको फैटिग भी फील होगा, लेकिन ऊपर डेंगू फीवर में कहीं पे भी फैटिग नहीं है। जो मेन डिफरेंस यहाँ पे है, यहाँ पे पेन बिहाइंड आइज है, यहाँ पे पेन बिहाइंड आइज नहीं है, यहाँ पे नोजिया दिया हुआ है, साथ में फैटिग भी है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमारे वायरल डिजीज थी, वायरल डिजीज हमारी खत्म हो चुकी है। इसके बाद जो नेक्स्ट डिजीज हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हम प्रोटोजोअल डिजीज, दैट इज मलेरिया। ओके, दैट विल बी कवर्ड इन द नेक्स्ट लेक्चर। स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक दिस लेक्चर देन काइंडली हिट द लाइक बटन। थैंक यू स्टूडेंट्स।